आप इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर जरूर आए होंगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, पर आप बिल्कुल सही देखकर आए हैं और सही पढ़कर आए हैं कि थॉर 5 को टैक्या वेटेडी ने छोड़ दिया है। तो क्या है पूरी खबर, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। टैक्या वेटेडी थॉर 11 थंडर को डायरेक्ट कर रहे थे, सभी को पता ही है, और काफी सारी सेट इमेजेस हमारे सामने आई थी जिनको देखकर लग रहा था कि ये मूवी एक एक्सट्रीम लेवल पर होगी। और सबसे बड़ी बात कि जब इसकी कास्टिंग का अपडेट आया था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जो कास्टिंग थी वो एकदम परफेक्ट थी, खासकर विलेन को लेकर, क्योंकि इसमें गॉड दी कॉर बूचर था जिसका रोल प्ले कर रहे थे क्रिस्टन बेल, जो कि सभी को काफी ज्यादा अच्छे लगे थे बैटमैन में, और वो एक्साइटेड थे कि थॉर 4 यानी कि थॉर 11 थंडर में वो कितना खतरनाक रोल प्ले कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जब थॉर 11 थंडर रिलीज होगी तो वो कितना सीन कमाल का होगा कि जब हमारे सामने गॉड दी गॉर बूचर लाइव एक्शन में थॉर से लड़ता हुआ नजर आएगा। बट बाद में मूवी जब रिलीज हुई तो फैंस ने जो तगड़े रिव्यू दिए हैं, जो क्रिटिक रिपोर्ट्स आई हैं, वो सब बिल्कुल डिसअपॉइंटेड कर देती हैं। और जब इंडिया में ये मूवी रिलीज हुई थी और जब हम फैंस ने इस मूवी को देखा तो लिटरली मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। और इस मूवी को तो कम से कम मैंने 2 बार तो देखा ही था, एक आगरा में और एक दिल्ली में। और फिर उसी के बाद कुछ टाइम बाद कंफर्म हो चुका था कि एमसीयू में आने वाले टाइम में थॉर 5 भी आएगी, और सब यही बोलने लग गए थे कि टैक्या वेटेडी इस मूवी को डायरेक्ट ना करें। तो आपके लिए खुशखबरी है, और ऐसा ही हो रहा है कि टैक्या वेटेडी इस मूवी को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। GFR की रिपोर्ट माने तो थॉर 11 थंडर के जो डायरेक्टर थे उन्होंने जब इसकी रिपोर्ट पढ़ी, इसकी रिव्यू पढ़े, और इसकी जो क्रिटिक्स रिपोर्ट्स आई सामने, जो रेटिंग्स आई, वो उससे काफ़ी ज़्यादा निराश हुए, और उन्होंने फिर फाइनली फैसला कर लिया कि अब मुझे आने वाली MCU की फ्यूचर मूवी थॉर 5 को डायरेक्ट नहीं करना है। उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करा कि मेरा जो टेस्ट है वो हमेशा कॉमेडी फनी वे में बनाने का है, मैंने खुद थॉर रैग्नारोक में इस मूवी को वही टेस्ट देने की कोशिश करी, ऑडियंस को पसंद भी आया था, और वही टेस्ट देने का कोशिश करा मैंने थॉर 11 थंडर में, बट फैंस को एक्चुअली में चाहिए था डार्क, वो भी थोड़ी खतरनाक टाइप की हो, बट मैं वो ऐसा टेस्ट नहीं दे पाया, तो इसलिए इस मूवी को मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा। और टैक्या वेटेडी ने ये भी बताया कि उनके पास आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और वो उन सब मूवीज़ में सीरीज़ में अपना टेस्ट डालना चाहते हैं। अगर कुछ प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो उन पे आने वाले टाइम में स्टार वॉर्स की मूवी है, HBO Max की सीरीज़ है, कुछ अपकमिंग ऐसी सीरीज़ और मूवीज़ भी हैं जिनमें वो स्क्रीन प्ले भी कर रहे हैं, तो उन पे अच्छा खासा समय है। बट हाल फिलहाल उन्होंने अभी इस टाइम ब्रेक ले लिया है डायरेक्शन से, और वो आने वाले टाइम में अदर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और उनका ज़्यादा फोकस रहेगा स्टार वॉर्स की, उनकी अपकमिंग एक मूवी आ रही है। और आपको अगर मैं अपना पर्सनली रिव्यू बताऊँ तो भाई स्टार वॉर्स कोई फनी कॉमेडी मूवी नहीं है। अगर थॉर को बर्बाद करने के बाद अगर वो स्टार वॉर्स की तरफ नज़रें डाल रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्टार वॉर फैंस भी काफ़ी ज़्यादा उनसे नाराज हो जाएंगे। बाकी आपका क्या मानना है उनके इस बयान से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप किसको चाहते हो कि थॉर 4 को ये बंदा डायरेक्ट करे, इसका डायरेक्शन ज़्यादा सही रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।